एसपी स्मार्ट कंपेटिटिव बाय एसपालर माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, वो पार्ट टू वीडियो है बच्चे, अबाउट योर पी वाई क्यूज। डी सेवन लेक्चर है ये। क्वेश्चन है बच्चे, द वैल्यूज ऑफ दिस प्लस दिस, वैल्यूज ऑफ माइनस वन प्लस आयोटा स्क्वेयर रूट थ्री अपॉन टू रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस ओयोटा स्क्वेयर रूट थ्री अपॉन टू रेस्ट पावर एन। आपको इनको वैल्यूज़ बताने हैं। तो कंडीशन है बेसिक के बच्चे में, हमने एक उसमें भी किया है कि ये जो कंडीशन है, ये आपके पास वैल्यू होता है ओमेगा का, यहाँ प्लस है बीच में, और ये वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वेयर का, वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके। तो अब आपको इसका वैल्यू चाहिए। तो जनरल आपको पता है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है बच्चे, जीरो। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया बच्चे, माइनस वन के। तो रिजल्ट इज योर माइनस वन, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, इफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस फोर इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस फोर इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस वन। तो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस फोर इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस वन आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ये कंडीशन गिवन है, तो z प्लस आप इसको ऐसे कर सकते हो, 4 माइनस थ्री कंडीशन किया जा सकता है। तो ये कंडीशन क्या है, z1 वन प्लस जेड टू मॉडुलस किसके इक्वल होता है, लेस देन इक्वल टू z1 वन प्लस जेड टू। तो आप इसको कर लीजिए, दिस इज़ योर z प्लस, इसको पहले इक्वल ही रखिए, z प्लस फोर प्लस माइनस थ्री कर लीजिए। तो आप z1 वन प्लस विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू Z1 वन प्लस फोर को अलग कर लीजिए और प्लस माइनस थ्री अलग कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z प्लस फोर, ये Z ही है, Z1 मैंने ऊपर से आ गया, प्लस थ्री। तो Z1 वन प्लस फोर ये किसे लेस देन है, थ्री प्लस थ्री विच इज इक्वल टू सिक्स। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बच्चे, क्योंकि ये क्या है, लेस देन इक्वल टू सिक्स है, तो मिनिमम वैल्यू आ गया। तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगा सिक्स। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज एक्सट्रीमली अबव एक्स एक्सिस, लाइज एक्सट्रीमली अबव एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस के अबव है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स द रूट्स बोथ आर कॉम्प्लेक्स। तो रूट्स डायरेक्टली क्या होंगे बच्चे, कॉम्प्लेक्स होंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चे, ज्योमेट्रिकल रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू टू एंड दिस देन रियल पार्ट, देन आर इज द रियल पार्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिकली रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वेयर माइनस आयोटा किसके इक्वल है, टू के। तो आर इज़ द रियल पार्ट, तो रिप्रेजेंट ये किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, विच कंडीशन देन आर इज़ द रियल पार्ट। तो ये आपके पास सर्कल है, रेक्टेंगल है, हाइपरबोला है, क्या है। ठीक है, तो कंडीशन क्या आ जाएगा बच्चे, जेड किसके इक्वल है बच्चे, एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो जेड स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वेयर विच इज़ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। तो विच इज़ एक्स स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर इज माइनस वन माइनस वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा टू एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा बच्चे। ये आ गया जेड स्क्वेयर। अब जेड स्क्वेयर माइनस आयोटा भी है यहाँ पे, तो जेड स्क्वेयर माइनस आयोटा कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा टू एक्स वाई माइनस आयोटा कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आ गया, माइनस आयोटा कॉमन कर लीजिए, टू एक्स वाई प्लस वन हो जाएगा। तो दिस इज जेड स्क्वेयर माइनस वन माइनस आयोटा आ गया। अब कंडीशन क्या है, रियल पार्ट ऑफ दिस। अब आपको रियल पार्ट फाइंड आउट करना है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वेयर माइनस आयोटा किसके इक्वल है, रियल पार्ट किसके इक्वल, ये रियल पार्ट है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब रियल पार्ट किसके इक्वल है बच्चे, टू के इक्वल, ये आपको दिया। तो दैट मीन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, टू के इक्वल। ठीक है बेटा, तो बच्चे ये जो इक्वेशन होती है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। तो ये जो इक्वेशन आ गया सी, ये आ गया बच्चे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चे आपके पास क्या है, क्यू रूट्स क्या होते हैं, क्यू माइनस आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर माइनस पी होल पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। आपको रूट्स प्रेडिक्ट करना है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स क्या होते हैं जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो जनरली हम इसको ऑब्जर्व करें, तो अगर हम x इक्वल्स टू वन रखें तो ये क्या आ जाएगा, क्यू माइनस आर एक्स स्क्वेयर, वन का एक्स स्क्वेयर, वन का स्क्वेयर करेंगे तो वन ही रहेगा, आर माइनस पी, वन मल्टीप्लाइड बाई दिस होगा तो वन ही रहेगा,
ये आ गया p माइनस क्यू। तो आप देखेंगे q q के साथ कैंसिल, r r के साथ, तो दैट मीन वन रूट क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट रूट अगर हम कंसिडर करें कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, कंसिडर कर सकते हैं, तो अल्फ़ा फॉर एग्जांपल वन हो गया, तो अब आपको बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आपके पास एक कंडीशन है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये है बच्चे एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम क्यू माइनस आर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस पी अपॉन क्यू माइनस आर इंटू एक्स प्लस पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर इक्वल्स टू ज़ीरो, डिवाइड पूरा हम कर लेते हैं क्यू माइनस आर से। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, दिस इंप्लाइज अल्फ़ा बिट्टा किसके इक्वल आ गया, पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर। अब अल्फ़ा आपका वन के इक्वल है, बिट्टा आपको फाइंड आउट करना है, तो बिट्टा किसके इक्वल आ गया बच्चे, पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर, पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, ठीक है बेटा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, ठीक है, तो यही आपके पास एमसीक्यू थे बच्चे, इनको प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी सी कंडीशन है, बट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से, तब ये सॉल्व हो पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे, थैंक यू फॉर द क्लास।